No. So, hey and what's up guys, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अनबॉक्सिंग एवरी थिंग्स में। तो आज हमने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से ईयरफोन जो कि एम आई का है और हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, जो कि मैं बोलूँगा बहुत ही तगड़ी है अपने प्राइस रेंज पे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम कट कर लेते हैं। तो गाइज ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको रेडमी ईयरफोन्स हाई डेफिनेशन डायनेमिक साउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स नोट दिए गए हैं। यहाँ पे हाई रेस ऑडियो लिखा हुआ है, एल्युमिनियम साउंड चैम्बर, जैसा कि यहाँ पे पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है, मेड है दोनों ही ईयर कप्स मैं बोलूँगा, और बहुत ही तगड़ी, क्योंकि एल्युमिनियम से जब भी कोई ईयर कप्स बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी है खासकर एल्युमिनियम, क्योंकि प्लास्टिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बोट के मैक्सिमम मैंने देखा है प्लास्टिक के ही फाइबर के ही होते हैं। उसका लाइट वेट है, ये सब उन्होंने मेंशन किया है अपने फ्रंट पेज पे डायरेक्ट। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी 2021 में ही हुई है। उसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 600 की प्राइस मिल जाती है नीचे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। तो सील को करते हैं ब्रेक और ओपन करते हैं अपने ईयरफोन को। तो चलिए सबसे पहले सील हो गया हमारा ब्रेक, उसके बाद हम इसमें से ईयरबड्स को निकाल लेते हैं, ईयरफोन को निकाल लेते हैं बाहर। तो और कुछ आपको नहीं मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें तो ईयर टिप्स होते हैं जैसा कि सबको पता ही होता है, तो सबसे पहले इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। हाँ, ईयर टिप्स हैं इसमें आपको कुछ, जो कि बिग ईयर के लिए और स्मॉल ईयर के लिए दोनों ही के लिए आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने एक बात नोटिस की, इसमें आपको वारंटी कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक चीज़ और मैंने नोटिस की, बहुत ही स्मार्टली से उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे फॉर वारंटी पर्पस। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो और डायरेक्ट इसका वारंटी आपको मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। आप इसे साइट से भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट वहाँ पर मिल जाएगा आपको अगर आप जाते हो केयर तो भी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको एक कार्डबोर्ड कटिंग मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा है। इससे पहले भी एमआई का एक ईयरफोन आता था जो कि सेम दिखने में था, और मैं बोलूँगा इसका अपग्रेडेड वर्जन ही बोल सकते हो इसको, क्योंकि ऐसा ही मैंने यूज़ किया और लगभग मैं उसे 2 साल से यूज़ कर रहा था और अभी तक वो ईयरफोन बहुत ही तगड़ी चल रही है। और मैं बोलूँगा अगर आपके घर में माउस वगैरह नहीं है तो मैं बोलूँगा वायर वाला ये ईयरफोन बहुत ही सही है। माउस कहने का मतलब चूहा वगैरह अगर नहीं है तो आपके लिए ये ईयरफोन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि इसमें बेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है एमआई के ईयरफोन्स, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल लुक और बिल्ड क्वालिटी की। तो फिजिकल लुक आप लोग तो देख ही सकते हो, ब्लैक कलर मैंने परचेज किया था। इसमें आपको रेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ब्लू का भी ऑप्शन मिल जाता है, जितना आपको कलर लेना हो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसके लुक की, तो बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा है आप देख सकते हो अपने। उसके बाद बात करें अगर हम ईयर टिप्स की, तो ईयर टिप्स भी देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी है, और मैं बोलूँगा कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही यूज़ किया गया। अगर ब्लैक पे एक तरह से बोल सकते हो ग्रे की फिनिश मिलती है आपको ईयर टिप्स में, और जो भी आपको होल्स मिलते हैं बहुत ही सही मिलते हैं। और मैं एक चीज़ मैंने एक बात और नोटिस की, इसमें आपको एल्युमिनियम के पूरा ग्रिल मिल जाता है जो कि बिल्कुल सही है, और इस प्राइस में मैं बोलूँगा तगड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयरबड्स में या ईयरफोन्स में जितने भी होते हैं उसमें आपको एल्युमिनियम ग्रिल नहीं मिलती है, मैक्सिमम टाइम वो एक तरह से पर्दे यूज़ करके दे देते हैं क्लॉथ वाले। अगर बात करें फिटिंग की, तो मैं बोलूँगा फिटिंग बहुत ही सही है इसकी, और इसके साथ जो आपको 2 ईयर टिप्स मिल जाते हैं अलग से साइड से 2 पेयर, वो भी अगर आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल फिट हो जाएगी आपके ईयर्स में भी। तो मैं बोलूँगा फिटिंग के मामले में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है एमआई में, जो मुझे एक चीज़ बिल्कुल सही लगती है उनकी, जो उनका जो माइक होता है वो बिल्कुल नीचे नहीं होता, उतना नीचे नहीं होता उनका, थोड़ा सा जहाँ पे आप अपने साउंड्स को लेते हो या ईयर टिप्स जहाँ भी होते हैं उससे बस हल्का नीचे होता है मुँह के पास। तो इससे आपकी क्या होती है, ऑडियो जो है वो बगल वाले को कॉल के दौरान बहुत ही सही जाती है। और वैसे बहुत सारे ईयरबड्स में आप देखोगे, जैसे मैंने बोट की हाल फिलहाल में अनबॉक्स की हुई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अगर बात करें इसके लेंथ की, तो मुझे लगता है इसकी लेंथ 1.5 मीटर के अप्रॉक्सली लेंथ होगी इसकी, जो कि अगर ईयरफोन के हिसाब से मतलब पॉकेट टू ईयर्स तक बिल्कुल सही लेंथ है इसकी। इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर मिलते हैं दोनों में ही। तो छोटा सा साउंड टेस्ट भी मैं आपको दे देता हूँ जो कैसा है इसका साउंड बेस, तो आप लोग भी इसको एग्ज्यूम कर सकते हो। तो चलिए साउंड टेस्ट हम छोटा सा कर लेते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं साउंड की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को साउंड टेस्टिंग तो दे ही दिया वीडियो में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो आप लोगों को साउंड कैसी लगी इसकी। अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन अगर जानो तो मैं बोलूँगा साउंड तो बहुत ही अच्छी है, बस हाँ बेस के मामले में थोड़ा सा ये कमी है, इसमें बेस होना चाहिए था इसमें, जैसा कि उन्होंने बताया जो बेस बहुत ज़्यादा है 10 mm के ड्राइवर्स यूज़ किए गए, तो मैं बोलना चाहूँगा जो बेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अब मैं बोलूँगा गेमर्स के लिए, क्योंकि मेनली बहुत सारे ईयरफोन्स लोग गेमर ही खरीदते हैं जो उनको गेम प्ले भी करना होता है। तो फर्स्टली मैं बोलूँगा BGMI ही लोग अभी प्ले करते हैं,
तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक गेम प्ले टेस्ट देता हूँ BGMI का, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसा रहता है हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए छोटा सा एक गेम प्ले देख लेते हैं। तो आप लोगों ने गेमिंग तो देखी ली इसकी, मैं बोलूँगा अगर BGMI आप प्ले करते हो इस ईयरफोन से तो बहुत ही सही गेमिंग होगा, क्योंकि कोई भी वायर ईयरफोन हो या हेडसेट हो उससे गेमिंग बिल्कुल सही आती है। और बात करें अगर फुटस्टेप की, तो फुटस्टेप बिल्कुल अगर लेफ्ट से बंदा आ रहा है तो लेफ्ट की फुटस्टेप आएगी, राइट से आ रहा है तो राइट पूरा आपको पता चलेगा जो राइट से बंदा आ रहा है। तो मैं बोलूँगा गेमिंग के मामले में ये ईयरफोन बिल्कुल सही है और आप आराम से परचेज कर सकते हो गेमिंग के लिए। और हाँ, म्यूज़िक के लिए अगर बात करें तो अगर आपको ज़्यादा डीप बेस पसंद है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ना खरीदे ईयरफोन को, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे आपको बहुत सारे ईयरफोन्स मिल जाएंगे, जो कि एक दो ईयरफोन्स के तो लिस्ट को आई बटन में ही मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। और बहुत सारे ईयरफोन्स की वीडियो मैं लाने वाला हूँ इन फ्यूचर, जो कि आप उसको भी परचेज कर सकते हो देख के। उस अनबॉक्सिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, तो भाई ये ईयरफोन ले लो गेमिंग के लिए बेस्ट है, या ये ईयरफोन ले लो गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको इस ईयरफोन को परचेज करना है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।